हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षद पटेल निफ्टी टेक्निकल्स। तो आज हम गुरुवार की निफ्टी फ्यूचर की और ऑप्शन राइटिंग की ट्रेडिंग देखेंगे। तो देखते हो, अभी जस्ट 12123 पे निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेड लेने से पहले। तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट पॉजिटिव है और जो ग्लोबल मार्केट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। हैंगसेंग का जो मार्केट है दोस्तों, वो भी एक तो हमेशा दोस्तों आपको एक ट्रैक कर लेना चाहिए हैंगसेंग का मार्केट सुबह 9 बजे, और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो भी। तो वो दोनों अभी लाल निशान में, यानी ऑलमोस्ट प्रेशर रहेगा। और आज एक्सपायरी है नवंबर सीरीज की, तो उसका भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी आप ये देख सकते हो, अभी नवंबर फ्यूचर का जो प्राइस है वो 12112 पे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव में, तो चार्ट के जो मैंने यहाँ पे लेवल लगाए तो वहीं से लगता है कि ऊपर टच होके 132 से वापस से नीचे आएगा, तो 12110 को टच करेगा निफ्टी का जो नीचे का पहला जो टारगेट है वो। तो यहाँ में 150 क्वांटिटी यानी दो लॉट को 25 के स्टॉप लॉस है और 50 का मैंने टारगेट यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जो लेवल है, यहाँ से अभी बहुत वॉलेटिलिटी शो होगी ऊपर का लेवल पे या फिर नीचे के लेवल पे। तो सेल करने को दोस्तों रखा है मैंने 150 क्वांटिटी। और अब चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 12125 पे अभी दोस्तों यहाँ पे ट्रेड अभी कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एक साइडवेज जैसा अभी मूव है सुबह में 10:16 को। आप देख सकते हो अभी 10:30 बजने को है। तो ट्रेडर जब भी कोई पोजिशन ले, हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये सेल हो चुके 150 क्वांटिटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, तो यहाँ से लगता है कि 12108 का जो लेवल है वो सबसे पहले यहाँ पे टच करेगा, और 12132 पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो एक बार दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई है सुबह में, और ये दूसरी बार भी अभी शायद यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है ये जो लेवल मैंने जो बनाया है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने अभी सेल किया है, और नीचे के लाइन से अगर बाइंग मिलेगी, रिट्रेस होगा नीचे के लेवल से, तो इसलिए मैंने अभी एक और ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस करा अभी जस्ट हेजिंग करने के लिए। 25 का स्टॉप लॉस है और टारगेट दोस्तों है 50 का, और ये मैं यहाँ पे 150 क्वांटिटी यानी दो लॉट को यहाँ पे मैं बाय करने जा रहा हूँ। तो जब भी दोस्तों कोई पोजिशन ले, हमेशा थोड़ा वेट कर लीजिए 2 से 5 मिनट को, और चार्ट में देखिए कि किस तरह कलर की जो कैंडल है वो फॉर्म हो रही है। अभी 12113 पे चल रहा है निफ्टी नवंबर का जो फ्यूचर है वो, और 12125 का जो अभी निफ्टी स्पॉट में चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो पे आप नए हो तो जरूर से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज 1000 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, अभी देखते हैं कितनी मिलती है। तो आप ये लाइव प्राइस अभी देख सकते हो 12123 पे, और ऑलमोस्ट फ्लैट है, एक साइडवेज जैसा मूव अभी चल रहा है। तो सेल किया था 114 में दोस्तों, और ये बाय किया है मैंने 109 में, राइट। तो बीच का थोड़ा प्रॉफिट मुझे चल रहा है अभी 700 रुपये के करीब का, यहाँ पे देख सकते हो 600 रुपये का। तो यहाँ से मैं अभी एक पोजीशन में यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, क्योंकि चार्ट में दिख रहा है, जो बहुत एडवांस चार्ट है मेरा, उसमें दिख रहा है कि जो सेल मैंने जो किया है उसमें से एग्जिट अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 150 क्वांटिटी यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर चुका हूँ। अभी जो बाय किया है वो मेरी क्वांटिटी अभी जस्ट ये ओपन है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा मैं वेट कर लूंगा ऑर्डर में। आप देख सकते हो अभी 159 का मैंने टारगेट रखा है दो लॉट के लिए, तो मैं यहाँ एक में से अभी जस्ट एग्जिट हो जाऊंगा 12112 पे से। ठीक है, अभी दोस्तों एक ही क्वांटिटी शायद बची है, और इसको मैं अभी 12100 और इसको कैंसिल कर दूंगा, इसको मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, इसको मैंने अभी जस्ट मॉडिफाई किया है, वो अभी एग्जीक्यूटेड हो चुका है, राइट। तो ये चार्ट में अभी देख सकते हो ग्रीन कैंडल एक फॉर्म हुई है नीचे के लेवल से, तो यहाँ पे अभी लगता है एक सपोर्ट मिल रहा है नीचे के लाइन से। तो दोस्तों जीरो दम अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके क्लिक कीजिए।
तो स्पीड है देख सकते हो अभी 2x, यानी थोड़ी स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, अभी देख सकते हो ऊपर के लेवल से निफ्टी टूट चुका है 12,117 पे, ये ट्रेड कर रहा है अभी। और एक कैंडल देख सकते हो बड़ी वाली, तो अपनी ईएमए के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे वेट कर लूंगा अभी। तो मैंने दोस्तों अभी बाय का जो पोजीशन ओपन रखा है उसमें से मैं एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ। अभी 12,116 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी स्पॉट, तो लगता है 12,100 पे अगर जो 12,100 का जो लेवल है वो एक बार ब्रेक करेगा तो 12,050 तक जा सकता है। तो अभी 12,111 तक आ चुका है, आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में। तो यहाँ मैं वेट कर लूंगा अभी, वापस एक नीचे के साइड से रिट्रेसमेंट अभी आया है और वापस से गिरावट अभी हुई है, देख सकते हो 115 पे ही ट्रेड कर रहा है और 110 पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉल जो है 10 रुपए के आसपास का वो भी बेचा जाए, आज गुरुवार है तो शायद 0 हो सकता है। तो स्टॉप लॉस में ट्रेल करता रहूंगा अपनी पोजीशन में से। तो अभी देख रहा हूँ मैं कौन से निफ्टी में थोड़ा अगर उछाल आएगा इस लेवल से 12,130 तक जाएगी स्पॉट में, तो मैं डेफिनेटली एक जो लॉट है निफ्टी का जो कॉल है मैं उसे सेल करूंगा, तो क्योंकि आज उस पर प्रेशर रहता है एक्सपायरी का, इसीलिए गुरुवार को। तो अभी निफ्टी स्पॉट में 12,109 पे ही ट्रेड कर रहा है। ये जो नॉइज जो आप देख रहे हैं चार्ट में, तो बायर और सेलर की अभी जो फाइट है उसमें एक क्लियर डायरेक्शन जो निकल के आनी चाहिए वो नहीं आ रही, तो अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है 108 पे है। तो 12,100 का लेवल तोड़ेगा या फिर 12,150 जाएगा, वो भी वो कंफ्यूजन है। अभी चार्ट में देख सकते हो नीचे के सपोर्ट लेवल से ही दोस्तों यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई है, वहां से सपोर्ट लिया है सपोर्ट लाइन से ही। तो कॉल यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ी होगी, तो मैं थोड़ी देर बाद अभी कॉल को भी मैं सेल करूंगा मेरी ICICI डायरेक्ट की जो वेबसाइट है उसमें। तो अभी ये एडवांस चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 12,110 पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों एक रिट्रेसमेंट मिला था नीचे के सपोर्ट लेवल से, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई और अभी ये ज़्यादा एक बाइंग आ चुकी है अपने हाई लेवल पे निफ्टी 12,121 के आसपास। तो रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ऐसा लग रहा है, तो मैं यहाँ से कॉल अभी मैं इस लेवल से ही बेच सकता हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस का जो पहले का जो रेजिस्टेंस है उसी लेवल के आसपास है 12,125 के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों एक कॉल को मैं सेल कर सकता हूँ, तो एंड ऑफ द डे वो 0 हो सकता है इसी उम्मीद में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चार्ट देख सकते हो ईएमए को टच करके ऊपर ही चल रहा है अभी जो चार्ट है वो, और सुपर टेन का सिग्नल भी बाई साइड है। तो यहाँ से बहुत उछल आने की उम्मीद नहीं, 130 के आसपास शायद कंसोलिडेट करेगा ये, तो इसलिए मैं यहाँ से अभी कॉल को बेचूंगा और मेरी जो फ्यूचर की जो दोस्तों जो ऑर्डर है मेरा फ्यूचर का वो अभी ओपन है। तो आप ये देख सकते हो कॉल में अभी चल रहा है 9 रुपये पे आसपास, 12,150 का जो कॉल है, ठीक है, 9 रुपये और 35 पैसे, 300 क्वांटिटी मैंने अभी ऐड की हुई है। स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ दोस्तों 22 रुपये का, ठीक है, बाद में मैं वो स्टॉप लॉस को नीचे की साइड ट्रेल कर लूंगा। 6,200 का मार्जिन मुझे चाहिए, ठीक है, 6,225 रुपये का मार्जिन। और यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ कौन सी प्राइस ये चल रही है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मैनुअल, इसमें 0 तक जैसा नहीं आता इसलिए मैन्युअली चेक करना पड़ता है। 9 रुपये और 10 पैसे के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिमिट सेट कर दूंगा 9 रुपये और 25 पैसा, यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में देख सकते हो अभी ऑर्डर ओपन है, क्योंकि 9 रुपये और 25 पैसा यहाँ पे नहीं आया है, अभी ये हो चुका है देख सकते हो तुरंत ही 9 रुपये 25 पैसे में 300 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। और ये अभी देख सकते हो 75 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है 9 रुपये। तो दोस्तों 22 के स्टॉप लॉस से मैंने इसको बेचा है, अभी देखेंगे लॉस होगा तो मैं 2,000 से ज्यादा नहीं लूंगा, और प्रॉफिट होगा तो मैं नीचे 0 होगा तब तक मैं वेट कर लूंगा। तो 2,000 से दोस्तों ज्यादा का मेरा टारगेट नहीं है लॉस का, ठीक है, तो इसलिए मैंने 22 पे यहाँ पे सेट किया है। अभी मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है
जो क्वांटिटी मैंने ओपन रखी है बाई साइड 2800 का, और इसमें दोस्तों लॉस अभी बढ़ गया है, जो कॉल बेचा है उसमें 1700 का अभी लॉस हो चुका है, अभी ये 1900 का लॉस, 2000 के आसपास का भी लॉस हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट रहूंगा। और इसमें मुझे 3000 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर को बाई करके, तो इसमें अभी मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी अपने हाई पे ये देख सकते हो 12,142 पे, 12,142 पे है, तो मैंने इसमें रखा है देख सकते हो यहाँ पे सेल करने के लिए 42, ठीक है 12,142, तो 75 क्वांटिटी यानी ये प्लॉट अभी ये बाय किया था, ये सेल हो चुका है देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है अभी 3,116 रुपये का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है, ठीक है। तो एक मैंने आज सेफ ट्रेडिंग की थी इसमें फ्यूचर को बाय और सेल करके, तो इस तरीके से आप हेजिंग कर सकते हो। अभी 2800 का दोस्तों इसमें लॉस हो रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। अभी चार्ट में देख रहा हूँ कि एक लाल कैंडल जस्ट फॉर्म होने वाली है, जनरेट हो रही है, और ये सेल का भी सिग्नल मिला है सुपर टेन का, तो 12,140 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो मैं अभी अलर्ट लूंगा, इससे ज्यादा मुझे लॉस अभी नहीं लेना है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद अभी मैं अपडेट करता हूँ कि कौन से प्राइस पे आया है, देख सकते हो अभी 800 रुपये का लॉस दोस्तों बचा है, ऑलमोस्ट जो लॉस है वो रिकवर होने को अभी, और टाइम देख सकते हो 1:45 अभी 12:45 के आसपास, 1:10 बाकी है। ये प्रॉफिट दोस्तों देख सकते हो 1500 रुपये का 4 रुपये पे आ गया है, जो कि मैंने 9 रुपये पे बेचा था और ऊपर तक हाई लगाया था 18 रुपये का, लेकिन 22 को दोस्तों टच नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है मैं ट्रेल कर लूंगा, देख सकते हो 4.70 रुपया अभी भी ये नीचे जा रहा है, 2:10 बाकी है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन अभी प्रॉफिट मेरा दोस्तों हो चुका है 1900 रुपये का, देख सकते हो अभी 2.90 रुपया प्राइस चल रहा है, शायद ये जीरो हो सकता है अभी, तो ओके वेट कर लूंगा 3 बजे तक, देखते क्या होता है, अभी 2:30 बजे है, तो बहुत ज़्यादा तो क्वांटिटी नहीं है मेरी, 2190 रुपये का प्रॉफिट है, 2200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लूंगा। ये जो लाल कैंडल जो बनी है बहुत, तो इसलिए मैं अभी दोस्तों 1 रुपया हो चुका है, ये कॉल का प्राइस आप देख सकते हो 0.95 पैसा 1 रुपये के अंदर आ चुका है, अभी स्टॉप लॉस अपना जो है मैं ट्रेल कर लूंगा, ठीक है। और अभी का जो प्रॉफिट है दोस्तों देख सकते हो 2475 रुपये का, तो मोडिफाई में जाके अभी जो मैंने 22 पे जो लगाया था स्टॉप लॉस उसे मैं 3 रुपया कर लूंगा, देख सकते हो, और ये मार्जिन 525 रुपया दोस्तों सिर्फ अभी मार्जिन चाहिए मुझे 3 रुपये के स्टॉप लॉस से, देख सकते हो कितना कम मार्जिन है ICICI डायरेक्ट में 525 रुपये का मार्जिन, अभी मेरी पोजीशन 3 रुपये के स्टॉप लॉस से ओपन रखने के लिए, तो इतना मार्जिन शायद आपको दूसरे कोई वेबसाइट में या फिर दूसरे ब्रोकर में नहीं मिलेगा। अभी 2520 रुपये का हाइएस्ट दोस्तों प्रॉफिट चल रहा है मेरा, अभी देखते हैं अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया तो भी 3 रुपये का तो भी 2000 रुपये जैसे कुछ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी 3 बजने में दोस्तों 10 मिनट बाकी है, 3 बजने में 2 मिनट, तो 3 बजे का शो अभी होने वाला है, देखते हैं अभी क्या होगा, अगर नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अभी ये वक्त अभी आ चुका है, देख सकते हो कंसोलिडेट ऊपर नीचे के लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे दोस्तों 1.15 रुपया हो चुका है, और लगता है मार्केट यहाँ से 3 बजे के बाद लगता है ये कैंडल बनी ग्रीन वाली ऊपर ही जाएगा, तो अभी देख सकते हो 2 रुपया होने को है, जो कॉल है वो ओपन है 2.20 रुपया, तो दोस्तों 3 रुपया यहाँ पे आएगा, तो ये 3.65 आ चुका है, तो लगता है स्टॉप लॉस वो हिट हो गया है, ओके पोजीशन जो है उसके ऑफ हो चुकी है, और ये प्रॉफिट मेरा 1875 रुपीज का, 1800 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट, और इसमें 3,116 रुपये का। तो दोस्तों 1000 लाइक का आज टारगेट है, देखते हैं इसमें से वीडियो में कितने लाइक आपकी तरफ से मिलती है, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर से एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।